X9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों प्रगति पर है। राहुल गांधी मणिपुर के इम्फाल से यात्रा शुरू करके अब असम आ पहुंचे हैं। वहां पर उनके खिलाफ जो है FIR दर्ज की गई है, लेकिन आगामी वक्त में जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो सकती है, इस पर कांग्रेस पार्टी के युवा नेता कन्हैया कुमार का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। यह जो पांचों न्याय के बारे में बात की जा रही है, उसको लेकर के बार बार अपने विभिन्न माध्यमों से हमारी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश के सामने ये रखने का प्रयास किया है कि हमारी देश की बहुसंख्यक आबादी आज भी न्याय के की संपूर्ण स्थापना से कहीं ना कहीं बाहर है। इसीलिए यह जो भागीदारी का न्याय है, उसमें हम जोर दे करके ये कह रहे हैं कि सबको गिनो, जातिवाद छोड़ो, भारत जोड़ो। सबको गिनना, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो स्थिति है समाज की, उसमें लोगों का सर्वे करना, और आप सब जानते हैं कि भारत में जो हर 10 साल में जनगणना होनी थी वो भी नहीं हुआ है। वो 2021 में होना था लेकिन वो जनगणना हुई नहीं है। 2011 में जो जाति जनगणना हुई, सामाजिक आर्थिक जो सर्वे हुआ, उसकी रिपोर्ट भी सरकार के द्वारा जारी नहीं किया गया है। तो बार बार श्री राहुल गांधी और हमारी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस सवाल को उठाती रही कि लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सबकी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। और इसका ये कतई मतलब नहीं है कि किसी को का छीन करके किसी को देना है। मतलब जिसको नहीं मिला है उस तक न्याय पहुँचाने की वकालत कर रहे हैं, इसको हम भागीदारी की न्याय के तहत देख रहे हैं। दूसरा जो युवाओं का न्याय है, आप सब जानते हैं कि देश में 45 सालों में आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। आए दिन जो है नौकरियों के बारे में यह सुनने को मिलता है कि कितने लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है, कितने बेरोजगार युवा जो है वो बैठे हुए हैं, लाखों पद जो हैं वो रिक्त पड़े हुए हैं सरकारी क्षेत्र में। आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो नौकरियाँ हैं उनको भी देख लें तो लाखों नौजवानों को नौकरियाँ नहीं मिल रही है। तो युवाओं को न्याय देने का तात्पर्य यह है कि जो रिक्तियां हैं उसको भरा जाए, और जहां कहीं भी वैकेंसी आती है तो यह सुनने को मिलता है कि पेपर लीक हो गया है। तो पेपर लीक जैसी गड़बड़ियों, जो नौकरी देने में जो प्रशासनिक चूक होती है, उस पर रोक लगाई जाए, सबको जो है रोजगार का अधिकार मिले। और जो बेकारी का अन्याय है, इस बेकारी के अन्याय से युवाओं को रोजगार दे करके न्याय की स्थापना करनी है। तीसरा जो न्याय है वो है नारी के न्याय। नारी के न्याय के बारे में आप जानते हैं कि कुछ मिनटों में ही हमारे देश में कहीं ना कहीं नारी के खिलाफ कोई ना कोई अपराध होता है, बलात्कार की घटना होती है। तो नारी भी समाज की आधी आबादी है। हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि आधी आबादी पूरा हक, नारी को न्याय सुनिश्चित कराना, ताकि वो हर चीज़ में, हर क्षेत्र में जिस तरह से बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं, चाहे वो काम की जगह हो जहाँ पे लोग नौकरी करते हैं, काम करते हैं, वहाँ एक सुरक्षित माहौल देने की बात हो, सड़क से लेकर के ट्रेन तक, घर से लेकर के बाहर तक, खेत से लेकर के खलिहान तक, दफ्तर से लेकर के मेट्रो रेल तक, हर जगह जो है महिलाएँ अपने जीवन को अपने तरीके से आज़ादी से जी सकें और अपने हक को प्राप्त कर सकें, और उनके खिलाफ जो अत्याचार है, जो अपराध है, उस पर रोक लगाया जाए और नारी न्याय को स्थापित किया जाए। जो चौथा न्याय है वो न्याय है किसानों का। हम जानते हैं, सरकारी आंकड़ा अगर उठा करके देख लें तो एक साल में 12,000 से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर लेते हैं, और पहले जिस तरह से किसान आत्महत्या कर रहे थे, अब उसमें एक नया चीज़ ऐड हुआ है कि नौजवान भी आत्महत्या कर रहे हैं। अगर सरकारी आंकड़ा उठा करके देखें तो एक घंटे से कम समय में कोई ना कोई नौजवान इस देश में आत्महत्या करने को विवश है। तो चाहे वो जवान आत्महत्या कर रहे हों या किसान आत्महत्या कर रहे हों, राहुल जी बार बार यही कह रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा यही अपील कर रही है कि आप आत्महत्या मत करिए। हमारे यहाँ मगही में जो है एक कवि हुए, वो अक्सर कहते थे, भूख से तड़प के मरवा काहे, मरने होते लड़के मरीचा। मतलब भूख से तड़प कर मरने की जरूरत नहीं है, आत्महत्या करके मरने की जरूरत नहीं है। अगर जीना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष की, न्याय की जो यह लड़ाई है, उस लड़ाई में हम किसानों की भी फसल का उचित दाम उनको मिले, उनके फसल का दाम मिले। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि नेता का बेटा नेता होना चाहता है, DM का बेटा DM हो रहा है, जो क्रिकेटर नहीं है उसका बेटा भी BCCI का सेक्रेटरी बन रहा है, लेकिन इस देश में किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है।
और अपना उनके खिलाफ जो कानून लाया गया उसको वापस दिलवाने के लिए 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई। आप सबने देखा कि दिल्ली की सीमाओं पर लगातार महीनों किसान बैठे रहे, तो किसानों को न्याय दिलाने के लिए, उनके फसल का उचित दाम दिलाने के लिए ये जो है किसान न्याय की हम बात कर रहे हैं। और पांचवा जो न्याय है वो है श्रमिकों का न्याय। अक्सर हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ भी आप सब लोग बैठे हुए हैं, आपको कितनी सैलरी मिलती है, चाहे पत्रकार हों या कैमरा पर्सन हों या आपके ऑफिस में काम करने वाले स्वीपर हों, ड्राइवर हों, और आपकी कंपनी के मालिक को कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको आपकी मेहनत का दाम नहीं मिल रहा है। मिनिमम वेज के कानून को लागू नहीं किया जा रहा है। यह नियम बनाया है सरकार ने कि 8 घंटा कोई मजदूर काम करेगा, 8 घंटा काम का, 8 घंटा आराम का और 8 घंटा रचनात्मक काम का। रचनात्मक काम कहाँ से होगा जब ड्यूटी ही 18 घंटे की हो रही है। यहाँ तो बच्चों को और बीवी को ही समय नहीं है देने के लिए, 16 घंटा, 17 घंटा, 18 घंटा लोग काम कर रहे हैं। तो जो श्रमिक कानून इस देश में लागू किए गए कि 8 घंटे से ज़्यादा, अगर 1 मिनट भी आप ज़्यादा काम लेते हैं किसी भी मजदूर को, चाहे वो टाई लगाने वाला मजदूर हो, चाहे जो है वो झोला लटकाने वाला मजदूर हो, 8 घंटे से अगर 1 मिनट ज़्यादा भी आप काम लेते हैं तो आपको 2 मिनट का वेज देना पड़ेगा, 2 मिनट का वेतन देना पड़ेगा। आप सब जानते हैं आजकल क्या होता है कि आप जाते ही साइन कराते हैं, वाउचर कोई और साइन कराते हैं, सैलरी कुछ और देते हैं और कोई जो है सिक्योरिटी नहीं है, ना जो है PFI दे रहे हैं, ना ESI दे रहे हैं, ना जो है काम करते हुए अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका मुआवजा भी नहीं दिया जाता है। तो जितने भी श्रमिक कानून बनाए गए थे एक एक करके जो है उसको समाप्त किया जा रहा है और लोग मजबूर हैं। इतनी बेरोजगारी है और दफ्तर के बाहर इतना बड़ा लाइन लगा हुआ है कि कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। और राइट टू यूनियनाइज जो एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है मजदूरों का, वो भी धीरे धीरे करके समाप्त कर दिया गया है। तो आज मजदूरों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनको उचित मूल्य नहीं मिल रहा है उनके काम का। वो मुनाफा पैदा करने में हिस्सेदारी तो कर रहे हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, श्रमिक की तरह दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन जो मुनाफा है उसका एक हिस्सा जो है वो श्रमिकों को नहीं मिल रहा है। तो श्रमिकों को जो है न्याय दिलाने के लिए, तो यह जो 5 प्रकार के न्याय हैं, मैं फिर से आपके सामने दोहराता हूँ कि युवाओं को न्याय, भागीदारी का न्याय, नारी का न्याय, किसानों का न्याय और श्रमिकों का न्याय। ये जो 5 प्रकार के न्याय हैं ये इस देश के न्याय की लड़ाई में, न्याय के संघर्ष में 5 स्तंभ हैं और इन 5 स्तंभों से ही एक शक्तिशाली देश का जो है निर्माण संभव है। तो न्याय की इस पुनर्स्थापना के विचार को लेकर के ही यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार चल रही है। यहाँ पर कन्हैया कुमार ने तमाम उन सवालों के जवाब दिए जहाँ पर सीट शेयरिंग का मुद्दा हो या फिर लोकसभा चुनाव लड़ने का मुद्दा हो, यहाँ पर राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो या फिर विपक्षी एकता की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर यहाँ पर कन्हैया कुमार बात करते हुए नजर आए हैं। और उनका साफ कहना है कि वर्तमान केंद्र सरकार जो है तानाशाही पूर्वक शासन चला रही है और इससे देश को निजात दिलाना हमारी प्राथमिकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।